नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मुस्लिम आयोग अध्यक्ष शमीम मियां अंसारी पर स्थानीय चुनाव में पैसा बांटने आरोप। स्थानीय तहक निर्वाचनक संपूर्ण तैयारी, लालच आ प्रलोभन में नहीं पैर, मताधिकारक प्रयोग कर आम जनता सबके आग्रह। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2069 पर्यवेक्षक टीम द्वारा मतदान केंद्रक निरीक्षण। स्थानीय तहक निर्वाचन में अपन आधिकारिक विषय में सचेत रह मतदान सबके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध। आ श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सहित 16 गोटे राजनीतिज्ञ आ प्रहरी के अदालत देश छोड़ रोक लगौलक। आब समाचार विस्तार में। मुस्लिम आयोगक अध्यक्ष शमीम मियां अंसारी ऊपर स्थानीय चुनाव में पैसा बांटने आरोप लागल। नेकपा एमाले के नेता सब आयोगक अध्यक्ष अंसारी पैसा बांटने आरोप लगौलक। जनकपुर धाम स्थित सीताशरण होटल में बैसल अंसारी पैसा बांटत आयल आरोप सहित उ सब होटल में हो हल्ला कयने छल। प्रहरी अंसारी के होटल से सुरक्षित निकाल काठमांडू पठा देने। एक उम्मीदवारक पक्ष में माहौल बनाव अंसारी पैसा बांटने होटल पहुंचल नेकपा एमाले कार्यकर्ता का आरोप है। उसको रूम कति थियो, कुन फ्लोर में बसेको छ, त्यो सीसीटीवी कैमरा में सब क्याच त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। वास्तविक में त्यहाँको गतिविधि के छ, त्यहाँको सीसीटीवी कैमरा में पनि क्याच छ र हामीहरु साथीहरुले के गोप्य हिसाबले उ गरेको, उसको तपाईको गार्डले बेग बोकेको, बेगमा के छ, उसको ड्राइभरले बेग बोकेको, त्यो सबै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फेसबुकमा अलरेडी आएको छ र मेरै बारेमा केही मिडियाको साथीले जुन भ्रम फैलाइदियो कि उहाँसँग उहाँलाई पनि प्रहरीले समात्यो र सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि समात्यो, त त्यस्तो केही छैन। मलाई पनि लाग्यो र मलाई त्यहाँबाट जिल्लाबाट छोडिदियो र उहाँलाई एयरपोर्टबाट काठमाडौँ पठाइदियो। एमहर धनसाक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसंत रौजेर अंसारी संघसँग पैसा बरामद नहि भेल स्पष्ट कयलनि अछि। प्रहरी के कोनो संवैधानिक निकायक पदाधिकारी के चेक चार्ज करबाक अधिकार नहि रहलासँ अंसारी के सुरक्षित संग एयरपोर्ट पहुँचा देने सेहो ओ जानकारी देलनि। हुनका बिना कारण एमालेक नेता कार्यकर्ता सब घेरला बाद सकुशल एयरपोर्ट धरि पहुँचाबय सुरक्षा देल गेल सेहो एसपी रजौर बतौलनि। जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी प्रदीप बहादुर क्षेत्रिक टोली अंसारी के प्रहरी गाड़ी में लक जनकपुर स्थित विमानस्थल में लगल छल। होटल में हो हल्ला कने आरोप में प्रहरी नेकपा एमाले जनकपुर नगर अध्यक्ष सुरेन्द्र भंडारी पकड़ायल छल। एमहर मुस्लिम आयोगक अध्यक्ष शमीम मियां अंसारी अपन चरित्र हत्या कर नेकपा एमाले नेता सब पैसा बांटने आरोप लगौने बतौलन। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते ओ जनकपुर में मतदाता के पैसा बांटिक नेकपा एमाले नेता रघुवीर महासेठ आ जुली महतो अपन चरित्र हत्या कर खोजने बतौलन। ओ अपना चरित्र हत्या कर खोजला सबके छानबीन कर कार्रवाई के मांग कैलन। 11 बजे को समय में म जनकपुर पुगे र हिजो बिहान को समय में एउटा चाहिँ नूरी बरकाती मदरसा में चाहिँ ईद को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम को लागि म जनकपुर चाहिँ गएको थिए र कार्यक्रम हिजो सक्यो। त्यसपछि आज मेरो चाहिँ 12:30 बजे को फ्लाइटबाट चाहिँ म फर्किने मेरो चाहिँ कार्यक्रम थियो र त्यही अनुरूप चाहिँ लगभग 11 बजे को समय में केही 15-20 जना गुंडाहरू चाहिँ म बसेको होटलमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो र 81 चाहिँ हमला गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो, नाराबाजी गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ पैसा बाँटिरहेछ भनेर चाहिँ उम्मेदवारहरू यहाँ बसिरहेछ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गलत आरोप लाउनु भयो। यहाँ चाहिँ यतिसम्म कि यहाँ करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँ होटलमा बाट चाहिँ बाँटिरहेछ भनेर चाहिँ उहाँले आरोप लाउनु भयो, जुन आरोप चाहिँ अत्यन्तै गलत आरोप र यसप्रति चाहिँ म अत्यन्तै गम्भीर भएर म दुःख प्रकट गरेर आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेको छु। कारण के भने म कुनै पार्टीको नेता वा कार्यकर्ता होइन, म विशुद्ध संवैधानिक मुस्लिम आयोगको प्रमुखको हैसियतले सिङ्गो मुस्लिम
अध्यक्ष अंसारी अपन चरित हत्या करवाक लक्ष्य राख एमालेक नेता सब हल्ला मचौने बतौलन। निर्वाचन आयोग नेपाल बैशाख 30 गते होबय लागल स्थानीय तक निर्वाचनक सम्पूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन नियमित पत्रकार सम्मेलन में देश भरक सब मतदान केन्द्र में निर्वाचनक लेल तैयारी पूरा कयने जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में आयोगक सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्याल बैशाख 30 गते होबय लागल स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 सम्पूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल बतौलन। ओ निर्वाचन हेबाक दिन से 48 घंटा आगा से मौन अवधि शुरू हेबाक व्यवस्था बमोजिम बैशाख 27 गते मध्य रात 12 बजे से शुरू भेल मौन अवधि में निर्वाचन आचार संहिता 2078 पालना में आयोग विशेष सजगता अपनौने से ओ जानकारी देलन। तहिना आयोग आचार संहिता लागू भेल एम्हर एखन धरि आचार संहिता उल्लंघनक घटना में 66 टा स्पष्टीकरण मांगने अछि तऽ 9 टा सचेत 1 टा ध्यानाकर्षण कराओल गेल से ओ जानकारी देलन। ओ आचार संहिता उल्लंघन कयने कहित विभिन्न पार्टीक नेता सबके सेहो स्पष्टीकरण मांगने बतौलनि। सहप्रवक्ता आर्याल आयोग 77 जिलाक मुख्य अधिकृतक कार्यालय 676 टा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय 7 टा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय आ 70 टा जिला निर्वाचन कार्यालय के बैशाख 30 गते हेबाक निर्वाचनक लेल निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मतदाता शिक्षा काज बैशाख 30 गते नहि कर अनुरोध कयल गेल बतौलनि। निर्वाचन आयोग नेपाल केकरो लोभ लालच आ प्रलोभन में नहि पड़ि मताधिकारक प्रयोग कर आम मतदाता सबके आग्रह कयलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल आयोगक आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपालिया लोभ लालच आ प्रलोभन में नहि पड़ि मताधिकारक प्रयोग कर आम मतदाता सबके आग्रह कयलन अछि। ओ बैसाख 30 गते होबय लागल स्थानीय तक निर्वाचनक लेल आवश्यक तैयारी सेहो पूरा भऽ चुकल जानकारी देलन। प्रमुख आयुक्त थपालिया निर्वाचनक लेल शांति सुरक्षाक सब प्रबंध मिलाइब चुकल आ मतपेटिकाक सुरक्षा सब मतपेटिका लऽ जयबाक काजमे सेहो सुरक्षित तरीकासँ करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलनि। पूर्ण मतदाता आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पद पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच प्रलोभन आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। निर्वाचनका प्रमुख आयुक्त फलिया केकरो प्रबन्धमे नै पढ़ सही तरिकासँ निर्धक भक मतदान कर आ मतदान कार्यके सफल बनाइब देव सम्पूर्ण मतदाता सबके आग्रह कयलनि अछि। स्थानीय तह सदस्यक निर्वाचन बैसाख 30 गते अर्थात काल्हि शुक्र दिन देशभरि मतदान होबय लागल अछि, जाहिक लेल अधिकांश स्थानमे चुनावी तैयारी पूरा भऽ चुकल अछि। तहिना बाँकी स्थानमे तैयारी पूरा हेबाक क्रममे रहल निर्वाचन आयोग नेपाल जनौलक अछि। काठमाण्डूमे सेहो स्थानीय तहक निर्वाचनक लेल तैयारीक काज सब भऽ रहल अछि। सुरक्षाकर्मी आ कर्मचारी सब निर्वाचन केन्द्र आ मतदान स्थलमे खटि चुकल आयोग जनौने अछि। काठमाण्डूक चाबाहिल पानी टैंकीक मतदान अधिकृत दशरथ धमला आवश्यक तैयारी पूरा भेल बतौलनि। ओ नया मतदाता सबके नमूना मतपत्र में वोट देव सिखौने आ मतदाता सब सीख चाहने निर्वाचन संबंधी दोसर जानकारी सेहो देल गेल बतौलनि। अइ के बाद समय में काल हेबाक स्थानीय तहक निर्वाचनक लेल बाकी तैयारी सकबाक आ मतदाता के सुरक्षित भय रहित आ निष्पक्ष रूप में वोट देव पयबाक व्यवस्थाक लेल काज करबाक मतदान अधिकृत धमला बतौलनि। परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसारै यो कार्यक्रम तय भएको हो। साथै यो मतदान केन्द्रमा 2टा रहेका मतदान केन्द्र क र ख 2टा मतदान केन्द्र रहेका छन्। 2टै मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृतहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आज बिहानैदेखि उपस्थित भएर परिचय पत्र वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भएअनुसार हामीले मतदाता शिक्षा कक्ष भन्ने एउटा कक्षको व्यवस्था गरेका छौँ। मतदान अधिकृत धमला मतदाता सबके सरल तरिकासँ बदर नहि हेबाक चयन भोट देव सिकाओल गेल बतौलनि। ओ निर्वाचन आयोग 1टा मतदान केन्द्रक लेल उपलब्ध करौने 5 कर्मचारी आ दोसर 3 गोटे स्वयंसेवक सहितक टीम एखन चुनावक लेल बाँकी तैयारी काज सब कहि रहल बतौलनि अछि।
बैशाख 30 गते होबे लागल स्थानीय चुनावक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल है। मतदाता सब अपन अपन स्थानीय तह में रहल निर्वाचन कार्यालय पुग मतदाता परिचय पत्र ल रहल है। धनसा में से मतदाता सब मतदाता परिचय पत्र ल रहल है। मुदा तैयो मतदाता परिचय पत्र नहीं भेल सब नागरिकता पासपोर्ट लाल पुर्जा सहित यकीन पहचान होब वाला कोनो कागज पत्र से मतदान कर पाएबाक निर्वाचन आयोग जनौने अछि। एहि के लेल मतदाता नामावली में नाम भेल जेबाक निर्वाचन आयोग जनौने अछि। शुक्र दिन होबय लागल मतदानक लेल एखन मतदान स्थल सब में तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। अपन टेलीविजनक बातचीत में प्रदेश निर्वाचन प्रमुख श्रीधर पंथी मतदान अधिकृत आ सहायक मतदान अधिकृत सब मतदान स्थल सब में निर्वाचन सामग्री लऽ कऽ पहुँच चुकल जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश में 33,31,170 मतदान मतदाता रहल अछि। 2,163 मतदान स्थल आ 4,189 मतदान केंद्र सब रहल अछि। एम्हर धनसा में प्रमुख तथा अध्यक्ष पद में 381 गोटे उम्मीदवारी देने अछि। तहिना उपप्रमुख आ उपाध्यक्ष में 167, वार्डा अध्यक्ष में 1,465, महिला सदस्य में 1,046, दलित महिला सदस्य में 960 आ सदस्य में 2,117 गोटे उम्मीदवारी अछि। दौसा में कुल उम्मीदवार 6,136 अछि। दौसा में 4,67,388 मतदाता रहल अछि। 323 मतदान स्थल आ 596 मतदान केंद्र अछि। बैसाख 30 गते होबय लागल स्थानीय निर्वाचनक लेल मतदान स्थलक तैयारी अंतिम चरण में पहुँचल अछि। मतदान अधिकृत सर्वदलीय बैसार करबाक मतदाता परिचय वितरण करबाक सहितक काम सम्पन्न कयलक अछि। निर्वाचनक लेल पर्सा जिलाक 14 स्थानीय तहक मतदान स्थल में खटल मतदान अधिकृत निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष आ भय रहित वातावरण में कराबय तैयारी कयने अछि। मतदानक लेल बूथ निर्माणक काज भऽ रहल अछि। चुनाव के स्वच्छ आ भय रहित बनाबय जिला भरि सुरक्षा प्रबंध चुस्त कयल गेल। वीरगंज महानगरपालिकाक सहायक प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जयप्रकाश काफले जानकारी देलनि। यहाँ 143 मतदान केन्द्र छ। यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 1,25,000 मतदाताहरू हुनुहुन्छ। हामीले 143 मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत र कर्मचारीहरू पुगाइसकेका छौँ। उहाँहरू बुथमा जानुभएको छ। उहाँहरूले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएका परिचय पत्रहरू बाँड्दै हुनुहुन्छ। आज बुथ बनाउँदै हुनुहुन्छ। सबैजनामा पुग्नुहुन्छ। मतपत्र लगाउनु भएको लिएर गइसक्नु भएको छ। सुरक्षाको व्यवस्थामा दुई घेराबाट सुरक्षा रहेछ। बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र भित्री घेरामा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिने व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको वातावरण राम्रै हिसाबले भइरहेको छ र भोलि स्वच्छ शान्तिपूर्ण आदलरहित रूपले निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी त्यही कुरामा लागि परेका छौँ। अब कुनै कुनै ठाउँमा मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ भवन नभएको तर निर्वाचन कार्यालयले चाहिँ भवन भएको भनेर सिफारिस गरेको भन्ने गुनासो समय आएको छ। त्यसलाई पनि हाम्रो तहबाट गइहाल्छौँ। निर्वाचन जिल्लामा रहल सब मतदानकै केन्द्रमै सुरक्षा विशेषज्ञ ओही अनुरूप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाकर पर्सा प्रहरी जनौने अछि। सुरक्षाक लेल नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी अलगे अलगे सुरक्षा निकायके जिम्मेवारी अनुसार परिचालन कयल गेल। पर्साक प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उप अधीक्षक ओम प्रकाश खनाल बतौलनि ओ जिल्लामे 2,750 प्रहरी परिचालन कयल गेल आ सबै अपन काममे लागल अछि। र थप जिल्ला सुरक्षा समितिले स्थलगत अवगमन गरेर विभिन्न ठाउँबाट फिडब्याक लिएर पूर्व पहिलेका घटना विशेषहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर विशेष सुरक्षा योजना एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइएको छ। 4 सुरक्षा निकायसहित त्यही सुरक्षा योजना अन्तर्गत हामीले पहिलेदेखि नै प्रहरीहरू परिचालन गरिसकेका छौँ र अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरू पनि परिचालन भइसकेका छन्। भारतसँग खुला सीमा जोडल जिल्ला भेलासस्य हो। एहिठामक सुरक्षा संवेदनशीलताके ध्यानमे राखि मतदान केन्द्रके अति संवेदनशील आ संवेदनशीलक रूपमे वर्गीकरण कऽ सुरक्षा प्रबन्ध मिलाओल गेल। उल्लेख करैत भारत सीमा जोडल पालिकाक वार्डमे रहल मतदान केन्द्र अत्यन्त संवेदनशीलक रूपमे लेल गेल अछि। निर्वाचनके शान्तिपूर्ण रूपमे सम्पन्न करऽ नेपाल भारत सीमा 72 घण्टाक लेल बन्द करबाक द्विपक्षीय सहमति भऽ चुकलासँ एहि बैसाख 27 गते राति 12 बजेसँ 30 गते राति 12 बजे धरिक लेल सीमा क्षेत्रसँ हेबाक आवागमन पूर्ण रूपमे बन्द कयल गेल अछि। जिल्लामे 1 महानगरपालिका, 3 नगरपालिका आ 10 गाँवपालिका रहल अछि।
पूर्व प्रधानाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 पर्यवेक्षक सुशीला कार्की सहितक पर्यवेक्षक टीम मतदान केंद्रक निरीक्षण कयलक अछि। पूर्व न्यायाधीश कार्की सहित पूर्व आयुक्त इला शर्मा सहितक पर्यवेक्षण टीम त्रिपुरेश्वरक विश्व निकेतन स्थित निर्वाचन मतदान केंद्रक निरीक्षण कयने अछि। मतदान केंद्रक स्थलगत निरीक्षण बाद पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की मतदान स्थलक व्यवस्था सुरक्षा कड़ा बनाओल गेल आ व्यवस्थित रहल प्रतिक्रिया देलनि। ओ मतदान केंद्र में महिला आ पुरुष सभक लेल अलगे छाँव बना मतदान करबाक व्यवस्था मिलौने सेहो बतौलनि। ओ मतदान स्थल में पानि पड़ला पर ओत लाग जेहन लाइनक व्यवस्था मिला कऽ मतदान केंद्र के व्यवस्थित बनौने बतौलनि। प्रोटेक्टेड एरिया छ अनि अब शहर को बीच में पनि छ प्रोटेक्टेड एरिया छ। उहाँहरु एकदम यहाँ निर्वाचन गर्न आउनेहरु पनि स्मार्ट सबै प्रक्रिया पूरा गराएको रहेछ। अब भोलिसम्म उहाँहरुले मतदान गर्ने शिक्षा जुन हुन्छ त्यो भोलिसम्म पनि दिनु हुने रहेछ। अब जसले जसलाई यसो रोकेर दियो चाह्यो उसलाई चाहिँ यसो दियो, अब जो जान्ने हो भन्छ त्यसलाई त के भन्नु र होइन। मलाई ठिक ठिक लाग्यो, यो त राम्रो छ। अब यो त भोलि कस्तो हुन्छ त्यो त भविष्य भन्न सकिँदैन। आजसम्मलाई सबै बन्दोबस्त सबै बाँध्ने ओर्ने गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र पानी भोलि पर्यो भने पनि लाइन लाग्ने ठाउँहरू पनि रहेछ। त्यो मतदातालाई सजिलो होस् त्यही न हो, उहाँहरूले लाइन बेग्लै गराउने भन्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय तहक निर्वाचन शुक्रदिन देशभर एकैसाथ भ रहल अछि। स्थानीय तहक निर्वाचनक लेल निर्वाचन आयोग बुध दिन आ बृहस्पति दिन मतदाता शिक्षा आ मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी मतदान केन्द्र सब वितरण कर रहल अछि। आइ धरि स्थानीय तहक निर्वाचनक लेल सब तैयारी सकबाक आ भइरहित वातावरण में मतदान करबाक व्यवस्था मिलेबाक निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। आयोग मतदान दिन गेला पर मतदान केन्द्र भीतर मोबाइल कैमरा एवं फोटो खिचबाक सामग्री सलाई लाइटर जेहन प्रज्वलनशील एसिड पदार्थ कोनो प्रकारक हाथ हथियार नमूना मतपत्र सहित कागजात सब कोनो राजनीतिक दल वा उम्मीदवारक निर्वाचन चिन्ह भेल वा संकेत जानल गेल कोनो वस्तु लऽ जाय नहि पाएबाक बताओल गेल अछि। तहिना आयोग मतदाता नामावली में समावेश भेल मतदाता सब मतदाता परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रीय परिचय पत्र राहदानी जग्गादानी प्रमाण पत्रक आधार में वोट देव पाएबाक व्यवस्था कयने अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थानीय तहक निर्वाचन में अपन अधिकारक विषय में सचेत रहित केकरो दबाव में नहीं आब मत देवला मतदाता सबके अनुरोध कयलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत आयोग केकरो प्रभाव में नहीं आब निर्भीकताक संग अपना उपयुक्त ठानल जनप्रतिनिधि के वोट देव अपील कयलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में आयोग अध्यक्ष तप बहादुर मगर निर्वाचनक स्वतंत्र निष्पक्ष आ भयरहित वातावरण में सम्पन्न कर सरकार वाला निकाय सबके आग्रह कयलनि। ओ निर्वाचन आयोग से जारी आचार संहिताक पूर्ण पालना कराब दृष्टिहीन तथा अपंगता भेल व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक सुतकेरी बिरामी बीमार अशक्त आ क्रिया पुत्री के मतदान केंद्र में सहज पहुँच व्यवस्था कर सेहो अनुरोध कयलनि। सम्पन्न कराई व्यक्ति का नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार को संपूर्ण सम्मान र संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संपूर्ण सरकारवालासँग विशेष अपील गर्दछ। निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको आचार संहिता को परिपूर्ण रूप में पालना गराउन दृष्टिहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक सुत्केरी बिरामी अशक्त र क्रियापुत्रीहरू लगायत मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आयोग निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्दछ। यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै तहिना आयोग कार्यालय मुख्य सचिव मुरारी प्रसाद खरेल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहने पूर्व अनुगमन सन स्थानीय तहक निर्वाचन में महिला आ दलितक उम्मीदवारी अत्यंत न्यून रहल पाओल गेल बतौलनि। ओ मौन अवधिक समय में मुख्य राजनीतिक दल सब में आचार संहिता उल्लंघन कहने पाओल गेल बतौलनि। ओ अधिकांश जिला में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी तथा शिक्षक सब निर्वाचन में खताओल गेल, किछु स्थान में सब जनप्रतिनिधि राजीनामा देला सँ सिफारिश प्राप्ति में कठिनाई भेल सेहो ओ बतौलनि। मौन अवधि को समय में मुख्य राजनीतिक दलहरू नै आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएको छ। खासगरी ठूला दलहरूबाट चाहिँ धेरै चाहिँ आचार संहिता उल्लंघन भएको पाइएको छ। ओ गोर्खा सहित भौगोलिक रूप में दुर्गम छाँव में खटावाला कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी के साधन स्रोतक अभाव में समय में मतदान स्थल में पहुँच नहीं सकला सा तैयारी समय होब नहीं सकल सेहो ओ बतौलनि।
नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ बहालवाला तीन मंत्री विरुद्ध निर्वाचन आचार संहिता 2078 उल्लंघन कयने उजुरी दर्ता भेल अछि। ओकरा सब विरुद्ध भरतपुर महानगरपालिका 12क अश्विनी घिमरे आइ मुख्य निर्वाचन अधिकृतक कार्यालयमे भरतपुरमे लिखित उजुरी देलनि अछि। महिला तथा बाल बालिका मंत्री उमा रेग्मी, श्रम तथा रोजगार मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आ राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ विरुद्ध से उजुरी पड़ल अछि। मौन अवधि में निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन करित प्रचंड मतदाता प्रभावित कर सक्रिय बनल उजुरीकर्ता आरोप अछि। एहि से आगा मेयरक उम्मीदवार रेणु दाहाल विरुद्ध लिखित उजुरी पड़ल छल। दाहाल विरुद्ध दू बेर स्पष्टीकरण मांग चुकल बताओल गेल अछि। सरलाही प्रहरी करीब 14 किलो लागू औषध गाजा सहित एक युवक के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाईक प्लास्टिक पोका में बांध कर सामान माथ में राखि चल रहल अवस्था में चेक जांच कैला पर लागू औसत गांजा सहित मलंगवा नगरपालिका 8 निवासी 19 वर्षक रुस्तम कुमार यादव के पकड़ने अछि। ओकरा साथ में से 13 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद कयल गेल अछि। पकड़ायल रुस्तमक विषय में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाई जनौलक अछि। मकवानपुरक बकैया गाँव पालिका में एक पुरुषक शव भेटल अछि। गाँव पालिका दुहक कलैनी भीड़ नजदीक रहल सब भेटल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौलक अछि। स्थानीय खोला नजदीक रहल सब देखला बाद प्रहरी के खबर कयने छल। सबक एखन धरि पहचान नहीं खुजल आ सबके एकटा अस्पताल में राखल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्की बतौलनि घटनाक थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 4004 गोटे में कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। देशभर 2817 जना में ककर नमूना परीक्षण 4 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि 24 घंटा में 18 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। ओहि अवधि में कोरोना से केकरो मृत्यु नहीं भेल अछि। एखन नेपाल में सक्रिय संक्रमित संख्या 173 रहल अछि। नेपाल में एखन धरि 11952 गोटे में कोरोना से निधन भेल अछि। बृहस्पति दिन सोन आ चांदीक मूल्य वृद्धि भेल। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। सोनक मूल्य तोला में 800 रुपया से बढ़ला पर चांदीक मूल्य सेहो तोला में 500 रुपया से बढ़ल महासंघ जनौलक अछि। आई छापावला सोनक मूल्य तोला में 97,800 रुपया आ चांदीक मूल्य तोला में 1,250 रुपया तोकल गेल अछि। तहिना तेजाबी सोनक मूल्य तोला में 97,300 रुपया तोकल गेल अछि। बुध दिन तोला में एके दिन सोनक मूल्य 1,000 रुपया से घटल छल। ओहि दिन छापावला सोनक मूल्य 97,000 आ तेजाबी सोनक मूल्य 96,500 रुपया तोकल गेल छल। सूर्य नेपाल एएनपीजीए टूर चैंपियनशिपक उपाधि एमच्योर गोल्फर सुभाष तमाङ जितलक अछि। गोकर्ण गोल्फ क्लबक कोर्स में बृहस्पति दिन भेल फाइनल खेल में सुभाष प्रोफेशनल गोल्फर शुक्र बहादुर राय आ भुवन नगरकोटी के 7 स्कोर से पासा पारित उपाधि जितलक अछि। एहि सागा सुभाष गोल्फक मुख्य 3 उपाधि जीतने पहिल एमच्योर खिलाड़ी समेत बनल अछि। 13 सागक 2 स्वर्ण विजेता सुभाष एहि सागा 2019 में सूर्य नेपाल चैलेंज आ अप्रैल में सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन जीतने छल। अंतिम दिन 4 अंडर 68 अंक जोड़ने सुभाष कुल 19 अंडर 269 अंक जोड़ने छल। शुक्र आ भुवन कुल 12 अंडर 278 अंक जोड़ने छल। व्यावसायिक खिलाड़ी दिस संदिग्ध पहल बनल शुक्र आ भुवन समान 1,11,500 प्राप्त कैलक। एमेचर खिलाड़ी भेला से सुभाष नगद पुरस्कार सेहो प्राप्त कर नहीं सकल। रवि खटका 6 अंडर 282 अंक सहित समग्र में 4म स्थान व्यवसायिक तरफ तेसर बनल। ओ 65,000 प्राप्त कैलन। नीरज तमाङ कुल 6 अंडर 284 अंक सहित 4म बनत 53,500 नगद पौलन। धन बहादुर थापा 3 अंडर 285 अंक सहित 5म बनत नगद 45,000 प्राप्त कैलन। नेपाल गोल्फर एसोसिएशन आयोजना कैने प्रतियोगिता में 31 प्रोफेशनल आ 13 एमेच्योर गोल्फरक सहभागिता रहल छल। श्रीलंकाक पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे सहित 16 गोटे राजनीतिज्ञ आ प्रहरी के अदालत देश छोड़ रोक लगौलक अछि।
बीतल सोम दिन सरकार विरोधी प्रदर्शनक समय में राजपक्षे अनुसंधान अंधाधुन आक्रमण क के दमन कैने आरोप में विपक्षी हुनका पकड़ लेल निवेदन देने छल। शांत प्रदर्शनक क्रम में राजपक्षे समर्थक आक्रमण कैने छल। अदालत एहन अवस्था में राजपक्षे आ हुनक सहयोगी देश छोड़ नै पैबाक आदेश देने अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक। श्रीलंका के वकील सब एक समूह सेहो राजपक्षे के पकड़ मांग क के प्रहरी के मुख्यालय प्रहरी मुख्यालय में उजुरी देने अछि। देश में बढ़त गेल आर्थिक संकट आ प्रदर्शनक कारण महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री से राजनीमा देने अछि। मुदा विरोधी हुनक घर में आक्रमण करैत आग लगी कैला बाद ओ सेना हेलीकॉप्टर मार्फत भाई क सेना शिविर में बैसल छथि। श्रीलंका सन 1978 में बेलायती उपनिवेश से स्वतंत्र भेल एमरे के गंभीर आर्थिक संकट में फसल अछि। विशेष कर विदेशी विनियमक संचेत नै भेला से अत्यावश्यक वस्तुक सेहो आयात रोकल गेल अछि। नागरिक दैनिक उपयोग्य वस्तु पौनाई छोड़ने अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। मुस्लिम आयोग अध्यक्ष समीम मियां अंसारी ऊपर स्थानीय चुनाव में पैसा बांटने आरोप। स्थानीय तहक निर्वाचनक संपूर्ण तैयारी लालच आ प्रलोभन में नई पैर मताधिकारक प्रयोग कर आम मतदाता सबके आग्रह। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 पर्यवेक्षक टीम द्वारा मतदान केंद्रक निरीक्षण। स्थानीय तहक निर्वाचन में अपन अधिकारक विषय में सचेत रह मतदाता सबके राष्ट्रीय मानवाधिकारक आयोग से अनुरोध। आ श्रीलंका पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सहित 16 गोटे राजनीतिज्ञ आ प्रहरी के अदालत देश छोड़ लगौलक रोक। बेस्त अपन न्यूज अखन लेल एतबी। पल पल खबर तेज नजर देखते रहो अपन टेलीविजन। नमस्कार।